पेपर्स तो ठीक हैं आपके, बट ये सब हुआ कैसे? उस बिल्डर ने हमारा हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारा घर भी तोड़ दिया। कोई उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ, मेरी मदद कीजिए। देखिए मैम, प्लीज आप रोइए मत। और वैसे भी बिजली का बिल, पानी का बिल और घर के कागजात सभी आपके नाम है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, ये पेपर्स आप मेरे पास छोड़ दीजिए, ताकि मैं उस बिल्डर को एक लीगल नोटिस भिजवा सकूं। सच? आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ मैम, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैम, शुक्रिया की क्या बात है, और वैसे भी ये हमारा काम है। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार। हेलो सर, जिस जमीन पे आपने कब्जा किया था उसके अगेंस्ट एक केस आया है। हाँ, काफी सॉलिड प्रूफ है उनके पास। कुछ खास नहीं, बस एक 3 BHK फ्लैट और 50 लाख। डील? ओके। क्या हुआ माँ? क्या बोला लॉयर ने? हमें हमारी जमीन तो मिल जाएगी ना? सब खत्म हो गया काजल, सब खत्म हो गया। गरीब का कोई नहीं है, सब बस फायदा ही उठाना चाहते हैं। माँ आप रोना बंद करो और बताओ तो हुआ क्या? मैं लॉयर के ऑफिस में अपना रुमाल भूल गई थी, जब वापस लेने गई तो लॉयर बिल्डर से पैसे लेने की बातें कर रहा था। माँ आप रोना बंद करो, हम किसी और लॉयर के पास चलेंगे। कोई फायदा नहीं है बेटा, जो सबूत थे वो तो लॉयर के पास है, अब कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है। माँ आप रोना बंद करो, आप रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। कब तक ऐसे परेशान बैठी रहोगी? कुछ तो खा लो, 2 दिन हो गए आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तुम? मैम, मैं सुबह से आप लोगों को कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ थे आप लोग? और आज तो हियरिंग थी ना, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं आए? क्या करते आकर, केस तो हारना ही था। नहीं मैम, आप केस जीत गए हो। क्या? लेकिन उस दिन तो मैंने बिल्डर से बात करते हुए सुना था आपको। वो मैम, वो तो एक ड्रामा था। साले तूने मुझे धोखा दिया ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चल। मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मैम, आप माफी मत मांगिए, और वैसे भी आपकी जगह कोई और भी होता तो यही समझता। खैर, ये रहे आपके जमीन के कागज और ये कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपना घर बनवा लीजिएगा। लीजिए मैम। और जब तक आपका घर नहीं बनता है तब तक आप ये रखिए 3 BHK फ्लैट की चाबी, आप यहाँ रह सकते हैं। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome मैम। चलिए मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार।
अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।